मुंबई की सड़कों के लिए अच्छे दिन। मुंबई भारत का प्रमुख वित्तीय केंद्र, दिन ब दिन यहाँ की आबादी बढ़ रही है और इसके साथ गाड़ियों की संख्या भी। इससे मुख्य रूप से असर पड़ रहा है सड़कों पर। मुंबई काफी लंबी समय से सड़क के कारण होने वाली समस्या से जूझ रही है। इसकी अनूठी भौगोलिक स्थिति भी इस परिस्थिति का कारण है। इस समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार और मुंबई महानगर पालिका ने सड़कों को कंक्रीट करने का एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है। यह सिर्फ गड्ढों को ठीक करने के बारे में नहीं है, बल्कि मुंबई की सड़कों को बेहतर और लंबे समय तक चलने लायक बनाने के बारे में भी है। सड़क का यह अपग्रेडेशन पर्यावरण पूर्वक भी हो, यह भी देखा गया। इस प्रयास के हिस्से के रूप में MEIL 188 सड़कों पर 106 किलोमीटर की सड़क के कंक्रीटीकरण का कार्य परिश्रम पूर्वक कर रहा है। विशेष रूप से इस पहल में प्रतिष्ठित के पश्चिम वार्ड में 48 सड़कें, पी उत्तर वार्ड में 77 सड़कें और पी दक्षिण वार्ड में 63 सड़कें शामिल है। सड़क की सतह सामग्री के रूप में पारंपरिक डामर को कंक्रीट से बदलने से कई फायदे प्राप्त किए जा सकते हैं, जिसमें भारी यातायात को समायोजित करने की क्षमता और बारिश के कारण पानी जमने की हानिकारक प्रभाव से बचाव शामिल है। इस परियोजना अद्भुत शहर की सड़कों को और भी बेहतर बनाएगी और मुंबई को दुनिया भर में एक शीर्ष पर्यटन स्थल में बदलने में मदद करेगी। जिस तरह से शहर का विकास बढ़ते जाएगा, ये कंक्रीट की सड़कें एक उज्जवल और अधिक समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती रहेगी।